चेचक के दाग अगर चेहरे पर होते हैं या बदन में कहीं पर होते हैं तो बहुत ज्यादा खराब से लगते हैं। हमारे चेहरे पर दाग दाग से बन जाते हैं, छोटे छोटे से गहरे गहरे से निशान हमारी स्किन पे हो जाते हैं जब चेचक निकलती है। चेचक के दाग बहुत ही खराब होते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही खराब लगते हैं देखने में। अगर आपके चेहरे पर चेचक के दाग हो गए हैं, आप परेशान हैं, तो हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त घरेलू उपाय बताएंगे और आप लोग हमारे वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। चेचक के दाग अक्सर आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में छोटे छोटे से पूरे बदन में दाने निकल आते हैं और इन दानों में कभी कभी पस भी पड़ जाता है। जब पस पड़ने के बाद ये दाने सूख जाते हैं तो उसी जगह पर गहरा सा निशान पड़ जाता है, छोटा सा गड्ढा की तरह हो जाता है और वहां पर निशान भी पड़ जाता है। बहुत सारी क्रीम का आप इस्तेमाल करते हैं अपने चेचक के दाग को हटाने के लिए, लेकिन ये चेचक के दाग नहीं हटते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा गहरे हो जाते हैं। आज हम आपको चेचक के दाग को मिटाने वाला जो जबरदस्त नुस्खा लेकर आए हैं, आप लोग इस नुस्खे को अगर आजमाएंगे, एक बार कोशिश करेंगे इसको, तो 100% आपके जो चेचक के निशान होंगे, जो भी दाग पड़े होंगे, मिट जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, तभी आप पूरे तरह से इस नुस्खे को समझ पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान से तरोताजा जानकारी में। मैं हूँ आपकी दोस्त अंजू राजपूत और हम अपने नुस्खे की तरफ आगे बढ़ते हैं। चेचक के दाग को खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए आपको लेना होगा अरहर की दाल, दूध, खीरे का रस और गुलाब जल। इन्हीं चार चीजों से आप जो नुस्खा तैयार करेंगे, आप देखेंगे कि आपके चेहरे के जो चेचक के निशान होंगे, जो दाग पड़े होंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो आपको कैसे बनाना है आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस नुस्खे में आपको हल्दी का भी इस्तेमाल करना है। हल्दी आपको लेनी है एक चुटकी और इसमें आपको लेना होगा नींबू का रस, 30 से 40 बूंद आपको नींबू का रस भी लेना है और ग्लिसरीन भी लेनी है 4 से 5 बूंदें। ये सारी सामग्री आपको ले लेनी है और जो मैंने दूध बताया है, अरहर की दाल बताई है, वो 1 चम्मच आपको लेना है। अरहर की दाल भी आपको 1 ही चम्मच लेनी है और दूध भी आपको 1 चम्मच लेना है। गुलाब जल भी आपको 1 चम्मच ही लेना है फ्रेंड्स। खीरे का रस भी आपको 1 ही चम्मच लेना है। अरहर की दाल को आप पानी में भिगो दीजिए 6 से 7 घंटे तक, वो पानी में भीगती रहे। उसके बाद उसको निकाल लीजिए पानी से और इसको महीन महीन पीस लीजिए। आप चाहें तो सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं और आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी डालकर पीस सकते हैं। अरहर की दाल को महीन महीन पीस लीजिए और इसमें जो भी सामग्री मैंने बताई है, 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच खीरे का रस, 1 चम्मच गुलाब जल और 30 से 40 बूंद नींबू का रस और 4 से 5 बूंद ग्लिसरीन, इन सबको मिलाकर एक बढ़िया सा पेस्ट बना लीजिए। और जहां जहां पे आपको चेचक के दाग दिखाई दे रहे हैं, चेचक के निशान जहां जहां पर है, वहां वहां पे आप इस पेस्ट को लगाइए। आप और जब ये पेस्ट आपके चेहरे पर सूखने लगे, आधा 1 घंटा लगेगा इसको सूखने में, जब ये सूखने लगे तो इसको गुनगुने पानी से आप धो लीजिए और सूखे कपड़े से, सूती कपड़े से मुंह पोंछ लीजिए। आप इसी तरह से 10 से 15 दिन तक करिए, आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जो चेचक के निशान होंगे वो मिटने लगेंगे और आपकी त्वचा भी सुंदर दिखने लगेगी। आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि आपके चेहरे पर कहाँ पे चेचक का निशान था। ये बहुत ही अच्छा जबरदस्त घरेलू नुस्खा है फ्रेंड्स, आप लोग इसको एक बार ट्राई करके देखना, आपको फायदा जरूर होगा। ये रहा हमारा चेचक के दाग मिटाने का छोटा सा नुस्खा। अगर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।